काम भी सही वक्त से नहीं करते हो तुम। दिस स्टाइल बेबी। शट अप। अपने पापा से हमारी शादी की बात की? मंत्री बनने के बाद टीवी में ही देखा है, कल ही दिल्ली गए हैं, आते ही अपनी शादी की बात करूंगा। साल भर से यही कहते आ रहे हो, घर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कूल बेबी, इस बार पक्का। ए हाय फ्रेंड, टिकटा टिकटा हे हे आजा 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 एक बार आजा 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 वहां चलो। चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। धुआं। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। हरी भैया, कहाँ जाना है? रामपुर। देवरिया में मेरा बेटा रहता है। हाँ। मैं और मेरी बेटी भी देखने के लिए वहाँ जा रहे हैं। मैं भी देवरिया का हूँ। वो बस स्टैंड के बगल में हनुमान के मंदिर के पास नारियल की दुकान। हाँ? है, वो मेरे पिताजी की। अच्छा? है। हाँ, चलिए। भाई फिर कम दिया, इस बार तो थोड़ा ज्यादा दे दो। लेके जा। अरे वापस लेके जा, जा। नहीं भाई, जा। सॉरी भाई, वो कंप्यूटर वाली का क्या हुआ रे? दो दिन में लेकर आऊंगा भाई, दो दिन में। हाँ सच कह रहा हूँ। मस्ती छाए बाटे आए फगुआ रंग चढ़ल बा, नीला पीला हरा गुलाबी के रंगोली सजल बा, धरती रंगल आसमा रंगल रंग रंग उड़ल बा। Here's the man. Color of life. Hey, jogi rasa ra 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 bhagwa ke rang barse. मन बाके अंबर से रंग बरसे Jogira sararara, jogira sararara, bag bag ke rang barse, nache la man va ke ambar se rang barse, तुमको मैंने या मुझको।
गोरा रंग के आर चुबा कब से ए ए ए ए ए ए ए तोरी चपनिया देख के हमरा मन तरसे ए ए ए ए ए ए ए शक्ति न के हू देश प्रेम सन भक्ति न के हू बेचे माटी पे भैया जन्म ले ले बानी हूँ माटी के सतत परनाम हमरा पूरा नजर से जे भी गद्दार एक देखे भूखे हस्ती मिटा दे पर जोगीरा सारा रा रा जोगीरा सारा रा रा बाग बाग के रंगे पर से नाचे लमन बाके अंबर के रंगे पर से तकलीफ करती हो मैं यहाँ बैठा हूँ ना मैं हूँ ना मेरी बच्ची कल शादी करके ससुराल जाएगी तो ये नहीं तो क्या इसका पति बनाएगा हाँ वही बनाएगा रॉकी अरे बाप रे भैया की कॉफी अच्छी अरे तू चाय का होटल अच्छी तरह चला सकता है रामकृष्ण हम अपने नए घर का कंस्ट्रक्शन देखने जा रहे हैं हमारे कपड़े प्रेस करके रखोगे ओके अरे घर बोला तो याद आया सीमेंट लोड करा के भिजवा दे गली बाइक साफ किया क्या सो भाई हम दोपहर में लंच के लिए घर नहीं आएंगे शाम को लौटेंगे सारे काम ठीक है ठीक है अच्छा रॉकी तेरा भाई बड़ा मतलबी हो गया है तू इसे नौकर की तरह समझता है लाली डार्लिंग डोंट बी सिली मैं तुमसे एक बात पूछूं वो गैर है क्या सगे भाई भाभी है ना मुझे जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती उस वक्त तक तो बेकार ही हूं ना फिर अपने घर का काम करने में शर्म कैसी आंटी करेक्ट थैंक यू कम से कम मेरी स्कूटी तो साफ कर दो कर दोगे ना अब मैं तुम्हारी जान लूंगा पिताजी का टिफिन तैयार किया अरे बाप रे पिताजी और नाना जी का टिफिन देना चाहे कितने भी काम हो तुम अपनी माँ को नहीं भूलते हो रॉकी बचपन में मेरी माँ खाना खिलाते हुए कहती थी बड़े होकर मुझे इसी तरह खिलाओगे ना उसकी तमन्ना पूरी होने से पहले वो इसे छोड़कर चली गई इसे खाना खिलाता हूँ तो लगता है माँ को खाना खिला रहा हूँ ठीक है अब तुम जाओ ये लो ये पिताजी के लिए हा? और ये चाचा के लिए yes. Who is the station master? बूढ़े हो रिटायर हो चुके हो घर में चुपचाप बैठने के बजाय इन लोगों के साथ मिलकर वो नहीं पिताजी वो चुप मारूंगा अभी चुप रहो चलो साइड में बैठो टिकट टिकट सर टिकट हाँ कौन सा टिकट टिकट दिखाइए सर मैं कौन हूँ पता है कोई भी हो मुझे क्या आप टिकट दिखाइए सर तो ले इस आदमी ने हमारे ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाया है तुमको मालूम है ये मिनिस्टर का लड़का मिनिस्टर, है तुम्हारे बेटे ने ऑफिसर को मारा है हाँ मारा तो तुम क्या उसको मारोगे क्या, क्या बोला हाँ पहले फिर से बोल क्या बोला तो क्या कर लोगे क्या कर लोगे पहले हमारे ऑफिसर के पैर पकड़ो और फिर उनसे माफी मांगो पैर पकड़ के हाँ नहीं मांगेंगे अरे चला मांगेगा नहीं मांगेंगे मांगना पड़ेगा नहीं मांगेंगे बोला ओ मिनिस्टर ओ मिनिस्टर ओ मिनिस्टर चुप रहो
क्या सर, गोली से मारोगे? मारो। नहीं, चलाओ, देख क्या रहे हो? आफ्टर ऑल रेलवे के मजदूर हैं। आफ्टर ऑल क्या सर? आफ्टर ऑल नहीं सर, हिंदुस्तान में हर रोज 1,50,00,000 लोग हमारी रेलवे में सफर करते हैं सर। 8,000 रेलवे स्टेशन है, 1,07,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है सर। हिंदुस्तान में हर रोज ट्रेन 22,00,000 किलोमीटर सफर करती है सर। आफ्टर ऑल नहीं सर, कुल 64 डिवीजन है सर, 15,00,000 लोग एम्प्लॉइज हैं सर। सिर्फ हमारे मुंबई डिवीजन में 250 ट्रेनें हैं, 6,000 गार्ड के तौर पर, 1,200 ड्राइवर के तौर पर, 6,000 आदमी गैंगमैन के तौर पर काम कर रहे हैं सर। आफ्टर ऑल क्या है सर? ऑपरेटिंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच, मेंटेनेंस ब्रांच, IOW, रेलवे प्रोडक्शन फोर्सेज, ऐसी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। कितनी बहुत सारे लाखों एम्प्लॉइज डे नाइट मेहनत करके करोड़ों लोगों की सुरक्षित तरीके से सेवा कर रहे हैं सर। आफ्टर ऑल नहीं सर, साल में हमारा रेलवे डिपार्टमेंट हमारी गवर्नमेंट को 56,000 करोड़ का मुनाफा देता है सर। आफ्टर ऑल नहीं सर, शादियों में, त्योहारों में, सगाइयों में, स्कूल के लिए, इंटरव्यू के लिए, नौकरी के लिए, हॉस्पिटल के लिए, डिलीवरी के लिए, ऐसे न जाने कितने यात्रियों की जरूरतों को पूरा करता है सर हमारा ये रेलवे डिपार्टमेंट। आफ्टर ऑल नहीं सर, एक मिनट अगर हमारा रेलवे रुक जाएगा तो हिंदुस्तान रुक जाएगा सर, कई करोड़ लोगों की जिंदगी रुक जाएगी, पार्लियामेंट हिल जाएगा, असेंबली गिर जाएगी, आपकी सीट हट जाएगी सर। आफ्टर ऑल नहीं सर, 150 सालों का इतिहास है सर, कम मत समझिए सर, माफी मांगिए सर, बोल दीजिए सॉरी। ये बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है सर, सॉरी बोलने के लिए कहिए ना, सॉरी बोलो पापा, सॉरी बोलो, सॉरी मुझे माफ कर दो। हमारे रेलवे डिपार्टमेंट को आफ्टर ऑल कहेंगे तो हम चुप रहेंगे, आप लोग कुछ भी कहें, मेरे नाती ने जो किया ग्रेट है। रिटायर्ड लोगों का प्लेटफॉर्म पे क्या काम है, चल जाओ यहाँ से। वो बात नहीं है सर, कल गवर्नमेंट की नौकरी के लिए इंटरव्यू है, तो इसीलिए पता नहीं ये क्या लफड़ा करेगा, इसीलिए सौ तरह के काम होते हैं। मैं चाह रहा था कि आप अगर ध्यान देते इनको जाने दीजिए, थोड़ा टेंशन कम कीजिए। बेटे रामकृष्णा, ये RRB एप्लीकेशन फॉर्म है, ये लो, थैंक यू सर, करके ASM पोस्ट के लिए अप्लाई कर दो, बाकी सब मैं देखता हूं। आपका खाना, चाचा आपका भी, मैं जाता हूँ। अरे वाह, हंसी आने फंसी, एक और दूं क्या? ए, यहाँ नहीं, आओ एक जरूरी काम है। अरे कहाँ? अरे आओ ना। अरे बाप रे, पटक दिया। अरे तेरी नानी की आंख, मैंने कहा था ना मैं चलाऊंगा। अरे बाप रे, मैं नीचे गिरा हुआ पड़ा हूँ और इन्हें आइसक्रीम की पड़ी है, अरे मारूंगा एक तो। ए तू पीछे बैठ, हट बैठ, ये क्या कर रहा है? तू भी बैठ। कहाँ? अरे एप्लीकेशन देनी है, चलो। बाय भैया। हेलो, आई लव यू। हाँ गुरुजी, हाँ लाइन में खड़ा हूँ, बस 10 मिनट में एप्लीकेशन लेने वाले हैं। हाँ आज लाल दिन कह रहे हैं, आपने जैसे कहा था इसलिए लाल लाल पहनकर आया हूँ, नीचे पैसे दे दिए थे। आपने कहा ना जमीन पे घूमती गाड़ियों में दौड़ते हो नौकरी मिलेगी, इसलिए मैं कल बेस्ट में चला, आज लोकल में चला। ये बॉम्बे है एप्लीकेशन, आप तो कमाल करते हैं। हाँ सामने वाले का रंग नीला है गुरु जी, पीछे हट जाऊं। हाँ गुरु जी, अब मैं सफेद रंग के पीछे खड़ा हूँ, बोलिए। क्या कहा? पीछे देखूं? पीछे नीला रंग है गुरु जी। काउंटर की दिशा, काउंटर दक्षिण की तरफ है गुरु जी। किस दिशा में घूमने के लिए कह रहे हैं? आप एप्लीकेशन देने के लिए कह रहे हैं, दक्षिण की तरफ काउंटर और उत्तर की तरफ से एप्लीकेशन कैसे दूं? ओहो, उत्तर की तरफ घूम के दक्षिण की तरफ एप्लीकेशन देने के लिए कह रहे हो। हंसेंगे लोग गुरुजी, हंसते हैं तो हंसने दीजिए, हमें नौकरी चाहिए ना। गुरुजी आते जाते रहते हैं, कोई एक नौकरी मिलने तक मामा जी अपनी बेटी नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि शादी के बाद बीवी भी मेरी तकदीर नहीं बदलेगी। गुरु जी क्या सोच के मैं बॉम्बे आया था, इधर का वड़ा पाव बहुत ज्यादा फेमस है, इतने सारे लाकर वहाँ पे बंटवा देता हूँ, सारी दलिद्री दूर हो जाएगी। बाप रे, बर्बाद हो जाऊंगा, सारा लाइफस्टाइल बदल जाएगा। रखता हूँ गुरु जी। आप भी क्या एप्लीकेशन देने आए हैं? नहीं तो क्या, हम लोग यहाँ फिल्म देखने आए हैं। ओहो, फिल्म भी देखते हो? सर आप बहुत कॉमेडी करते हैं। करते हैं। मेरा नाम सूरज बदलानी है सर, अपने गुरुजी के बारे में जितना कहूँ बहुत कम है, वो जो कहते हैं हो जाता है, वो बहुत फेमस है। इस बार भानुमती आए तो कंसल्ट कीजिएगा, मैं उनसे आपका भविष्य दिखाऊंगा। भैया
हेलो सुनिए इधर घूमिए इधर। अगर उधर घूमूंगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। वास्तु के हिसाब से जा रहा हूँ, गुरुजी को दुख होगा। सुबह कहाँ से आ गया, लाइफ में पहली बार ऐसा आदमी देख रहा हूँ। नमस्ते गुरुजी। नाम क्या है? रॉकी। नौकरी एक को चाहिए तुम तीनों को? एक को ही चाहिए सर, मेरा नाम रामकृष्ण है। फिर उस लड़की के साथ क्यों आए हो? मेरी बहन है, मासूम है। ओहो, सेंटीमेंट कुछ ज्यादा ही होता जा। भूलना मत सर, मेरा नाम रामकृष्ण है। कहाँ है दारू? ये रहा तो लेपी। एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। ये देखो जीप, देखा तुमने? देखा ये दारू है ना? अब इसको खोलता हूँ मैं। एक बूंद पी गिरा है तो दिन में तारे दिखा दूंगा। ये देखो जीप, दारू जीत गए, हार गए, जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। कुछ नहीं बेटा, एक शर्त लगी थी। क्या चल रहा है? ये नारी है ना, इसने ये कहकर शर्त लगाई थी कि जो बिना जबान लगाए एक एक बूंद दारू पी जाएगा। ये हार गया, मैं जीत गया, ये हार गया। किसने शर्त लगाई थी? हमने। कितनी? 100 रुपया। शर्त कितने लगाई थी? 10 की। अरे बाप रे, तुम तो 10 रुपए देकर 100 की क्वार्टर पी गए। वो हारा नहीं है, हारे तुम लोग हो। तुम सबको 90 का चूना लगा गया। तू जाना यहाँ से। ये क्या हो रहा है? खिला? सॉरी सर। उठ चुका है, खिला इसको। लाइन मार रहे हो इस पर? क्या ये तुम्हारी प्रेमिका है? मेरा स्टूडियो लाइन मारने के लिए तो है। यहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ तो तुम लोगों को गर्मी लग रही होगी। मेरा ऑफिस है ना, एसी रूम है। अंदर जाकर प्यार करो। सॉरी सर। डाउन टॉप। ये क्या है, ये क्या है? डाउन टॉप, शट अप। त्रिपुरा कहाँ है? त्रिपुरा कहाँ है? बहुत रिस्की काम है, जरा ध्यान से। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सही है क्या? यहाँ लड़कियों का कारोबार होता है, इनका पर्दाफाश करना है। देखा, आराम से एसी में कुर्सी पर बैठकर इनको उल्टी सीधी फिल्में दिखलाई जाती हैं, इनसे गंदे काम कराए जाते हैं, इनका देह व्यापार होता है, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। ए, चलो बाहर निकलो। ओए उधर, वहां पीछे क्या कर रही हो? चलो चलो चलो। ओए चलो आगे आगे, चलो मुंह ढको अपना, चलो चलो। ओए आगे चलो, चलते रहो चलते रहो, रुकना नहीं बीच में। चलो चलो चलो, हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें जाने दो। चलो चलो आ गया, देखो। अबे ओ, माल को क्या छिपाते हो? घोड़ा है, गधा है, पहले चीज देखना क्या है। ये लेके आ रहे माल को। चल निकाल, चल निकाल। ए चुप, चुप रहा, चुप। 15,000, 15,000, 20,000, 30,000, एक एक लड़की का 30,000। हाय, ठीक है भाई। हमारे से नाटक करती है, मेरी फोटो खींचेगी, हाँ हमारा इंटरव्यू लेगी। हाँ, अरे देख क्या चीज है रे। अरे वाह, अरे वाह, ये निकाल इसकी फोटो, निकाल इसका वीडियो, चल चल निकाल। तोड़
करने का झांसा देकर विदेश में बेचने की साजिश की जा रही थी। इस साजिश के पीछे दास नाम का एक आदमी है जो फरार है। कैमरामैन सुदीप मुखर्जी के साथ मैं रजनीका गांगोली फ्रॉम ब्रॉड टीवी हैदराबाद। बड़ी सयानी मानती हो, अपने आप को झांसे की रानी समझती हो। मैंने अगर थोड़ी देर कर दी होती तो तुम्हारी लाश का भी पता नहीं चलता। तुम इस हालत में देखकर एक पल के लिए मेरी धड़कन रुक गई थी पता है? अरे तुमने मेरे बारे में अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोचा? बहुत बड़ी हो गई है, दुनिया भर के झगड़ों में क्यों कूदती हो? इनमें से मैं या तुम्हारी बहन गायत्री होती तो? गायत्री को बीच में मत डालो। मेरे लिए और गायत्री के लिए तुम हो, हम सुरक्षित हैं। मगर इनके पीछे कौन है? इन्हें इसी तरह जीने दे। हम एक एक लड़की की कीमत 10,000, 15,000, 20,000 जानवरों की तरह बेच रहे हैं, सौदा कर रहे हैं इनका। हम लोग काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे, सीक्रेट कैमरा लगा कर गए थे वहां पर। हम खुश है कि वो सब छूट गई। I'm sorry. Sorry. तुम्हें उस हालत में देखने के बाद गुस्सा आ गया। You're so sweet. I'm really sorry. तुम ही तो मेरी हिम्मत हो। I'm sorry. I love you. I'm so sorry. I love you ना। Love you. जानती हूँ।
सब कुछ है तेरा, तू ले जो भी चाहे, मौसम अलबेला है कह रहा, रंग गोरा गोरा तेरे लिए है पिया, यू तरसाओ ना बाहों में आ, जरा छू ले आ, जरा सुख दे जा, जरा हर साल की तरह इस साल भी तुम जिन्हें चाहती हो उन्हें माँ की साड़ी की भेंट दो। ठीक है पिताजी। तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, जैसे देना चाहो दे सकते हो, ठीक है? ठीक है ना? ये लो। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल जन्मदिन पर तुम हमारे घर की बहू बनोगी। साड़ी को तुम्हें दिलवाने में हम सब ने कोशिश की है। तुम दोनों के बारे में सभी को पता है, इसीलिए तुम्हारी माँ से अब बात करेंगे। अच्छे मन से सभी मुझे इस घर में जगह दे रहे हैं, इनकी ये इच्छा जरूर पूरी होनी चाहिए। रॉकी को मुझसे दूर मत करना। गौरी, गौरी, यहाँ क्यों खड़ी हो? हाँ, चलो। माँ, हैदराबाद में सभी इंग्लिश में बात करते हैं, मैं देखती रह जाती हूँ। गांव के गवारों को देखो हिंदी में बात करते हैं, सभी गांव वाले समझते हैं। माँ, चलो उस तरफ चलते हैं। टिकट, टिकट, टिकट सर, टिकट मैडम। डरती क्यों हो? आ, मैं ले चलती हूँ। आ ना। अरे सुनो, टिकट, टिकट प्लीज। हटो, एलबी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट। कहाँ? बाहर बोर्ड लगा हुआ है, जाकर के देख लो। अरे गुस्सा क्यों भैया? टिकट, एलबी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ, चलो निकलो, चलो निकलो। टिकट, तुम्हें टिकट नहीं देंगे, चलो आओ माँ, चलो। चलिए आइए मेरे साथ, बताइए उसकी क्या कहानी है। वो तेरी सासू माँ है। मेरी सासू माँ? गोदावरी के बाजू में नारियल की दुकान मेरे पिताजी की है, एलबी प्रसाद हॉस्पिटल ही जाना है ना। चलो, चलो माँ। रॉकी भाई, कॉलोनी चलो। भाड़ा है भाई, भाड़ा है। तो मार डालूंगा। तुम कौन? कौन हो तुम? वो बंद कर, वो बंद कर, वो बंद कर। मैडम कहे कि मुंबई से आकर इंग्लिश में बात कर रही हो तुम, मार डालूंगा। क्या नाम है? मैं बोल रहा था गौरी। झूठे, झूठे, झटके दूंगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ। हाँ, अरे, 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 सुनो, अरे सुनो, मेरी बात सुन। पकड़ो, 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 नहीं, नहीं रुको, पकड़ो, पकड़ो, अरे, 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 रुको, रुको, अरे, मारो नहीं, मारो नहीं, अरे, अब देखता हूँ क्या करती हो, क्या है, कितना पैसे? ये लो, वेटिंग चार्ज, वेटिंग का घंटा है, इसके वेट से मरा रहा हूँ। गौरी, उतर। गौरी, तेरा साजन है। जीजा जी हैं, पूरी प्यास बुझ गई मेरी माँ। तेरी साथ, आइए अंदर आइए, ए सामान अंदर रख, आइए। जी, चल। क्या बात है? हाँ, स्क्रीन को टच नहीं करना, थोड़ा डिस्टेंस, हाँ, मेरे घूमे बगैर, मेरे नजदीक आ जाओ, थोड़ा और नजदीक आओ, आराम से खींचो। लेकिन तुम मेरे ऊपर थी ना, तो मैं बिल्कुल मरा जा रहा था। सच में, आ जाओ, घूमो, चलो। छोड़िए ना साजन जी, गुदगुदी होती है, छोड़िए ना। थोड़ा सा पानी पी लो, बैठो, बैठो ना।
मेरी बेटी आई पूरा। इसका नाम गौरी है, मेरी बुआ की बेटी है, और यह है त्रिपुरा मेरी फ्रेंड। नमस्ते। नमस्ते। ओके ओके ओके। हाय। टाइम हो रहा है, लेट हो रहे हैं। चलो चलो चलो, इधर आओ भैया। ये लो माँ का कुमकुम, एकदम में ठीक से चलो चलो चलो। अरे हॉल टिकट। आई लव यू नहीं कहोगे? हॉल टिकट आई लव यू बोलोगी? क्या बुलवाऊं? पहले मेरा हॉल टिकट दो। आई लव यू कहो। दो साल से पागल बना रही हो मुझे, मेरा दिमाग खराब कर रही हो, कहो। जाने दो। अरे गायत्री का हॉल टिकट। ए ए क्या है? आई लव यू कहो नहीं तो मार डालूंगा। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। प्लीज मेरा हॉल टिकट मुझे दीजिए, मुझे एग्जाम के लिए बैठना है। प्लीज बातें बाद में करेंगे। क्या बाद में बात करेंगे? इतना कुछ हो गया, उसके बाद भी हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? क्या यही हमारी जिम्मेदारी है? गायत्री यहाँ कंडीशन अच्छी नहीं है, ये सब लफड़ा भूल जाओ, जाओ। क्या सिर्फ गायत्री ही तुम्हारी बहन है? श्रीलता ने भी तुम्हें राखी बांधी थी, जिसको सबके सामने उस गुंडे ने काट के फेंक दिया, उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? छी, तुमसे बात करना बेकार है। गायत्री चलो हम कंप्लेन करते हैं। माँ ने इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी और अब इसे लेकर पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाऊं? देखो कैसे हिल रही है। जाओ यहां से, कुछ नहीं होगा, मेरे पास आ। Really sorry dear, really sorry. Give me a hug. मैं उस समय अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। राजा जी, आंटी आ जी, आप यहाँ हैं? मामा जी आपको बुला रहे हैं। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। साजन जी अर्जेंटली आने के लिए कहा है। ये लड़की कुछ मांग रही है, देकर आता हूँ। मुझे दीजिए, मैं दे आती हूँ। दे दूँ क्या? हो गए। पहन लिए हमारी साड़ी, क्लिंग 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 क्लिंग। याहू! कार्यक्रम के शुरू होने से पहले कुछ रूल्स मैं बता देता हूँ। अब जो मेरे हाथ में साड़ी है, इस साड़ी की कॉस्ट मैं बताऊंगा, सही या गलत आप बताएंगे। सॉरी सर। माइक नहीं उठ रहा है,
नहीं उठा पा रही है माइक? जीजा जी इस साड़ी की कीमत मैं बताऊंगा, वो सही या गलत आप में से कोई बताता है तो ये साड़ी उसकी हो जाएगी। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कुछ नटखट सवाल आपसे पूछेंगे, आप में से कोई भी सवाल का जवाब दे। जनरली आप क्या देखती हैं? जी टीवी। सॉरी सर। और कौन कौन सा टीवी देखते हैं? फैमिली टीवी, माँ टीवी, सन टीवी, सोनी टीवी, पोगो, स्टार गोल, स्टार प्लस। क्यों श्रीदेवी टीवी क्यों नहीं देखते? श्रीदेवी टीवी। ओके ओके ओके, इस साड़ी की कीमत है 5,250 रूपए, सही है या गलत? 5,000 कहाँ से रहेगा, ये तो 250 रूपए से ज्यादा नहीं है। याहू, ये साड़ी आपकी हो गई। ये साड़ी आपको यही पहनना है। यहाँ कैसे पहनूं? वो साड़ी खोल कर ये साड़ी पहनिए। कमी नहीं कही के ये साड़ी यहाँ। अरे अरे इधर आ रहे, मैं टीवी ऑनर हूँ ना। सॉरी सर। मैं टीवी ऑनर हूँ, ये लोग पकड़ कर मुझे धो रहे थे तो कम से कम छुड़ाने की कोशिश तो करनी चाहिए थी। उन्हें कुछ मत कहो जीजू। क्यों? लाइव है ना, डिस्टर्बेंस होगा इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। डिस्टर्बेंस? हाँ। क्या पिताजी, गायत्री की शादी? हाँ बेटा, कॉलेज में श्रीलता मर्डर होने के बाद इसे कॉलेज जाने के लिए बहुत डर लग रहा है। वैसे भी अगले साल शादी कर ही रहे हैं ना, उसी वक्त इसकी भी शादी कर देंगे। बोल बेटा, कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के लड़की देखने आओ, ये बोल देंगे। अरे क्या कर रहे तुम? मुझे देखना है। चुप जा बेटा, चुप बेटा। एपी एक्सप्रेस जैसा किशोर, अच्छा पढ़ा लिखा है, जल्दी अमेरिका जा रहा है, और ये है इसकी बहन। नमस्ते आंटी। उनकी माँ जी पद्मावती, सोने जैसा रिश्ता है, मेरी गारंटी। सुपर। आज शाम को बोतल खुलेगी तो, लड़का अच्छा है। टिकट इशू कर दिया है, अब यात्रा शुरू की जाए। कितनी देर बिना बात किए रहेंगे, कोई तो बात कीजिए। वो ट्रेन अधूरे में आकर रुकी है। माँ वो नहीं, लेकिन आप तो बात कीजिए, आप तो कुछ बोलिए। इसमें बात करने जैसी बात क्या है? कल ही इंदौर से एक रिश्ता आया है। ठीक है, 15 लाख देने तक के लिए वो तैयार है। सुना तुमने, 15 लाख देने को तैयार है? अब आप क्या कहते हो, फिर अमेरिका का रिश्ता है, सोच लीजिए। हम तो इतना नहीं दे सकते। फिर आप कितना दे सकते हैं? मास्टर, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं, फिर ये अमेरिका से संबंध रखते हैं। हमारे एक ही तो लड़की है भाई, हमें वो लड़का पसंद है। वो क्या है ना, प्रोविडेंट फंड, कुल मिलाकर 10 लाख निकाल सकते हैं। है, 10 लाख है बस। ये तो ठीक है, लेकिन बच्चे के लिए कुछ? देंगे देंगे, लड़की को दहेज भी देंगे, सारी रस्में पूरी करेंगे, आपकी हैसियत के हिसाब से शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। आपको रिश्ता मंजूर है? आपको रिश्ता मंजूर है? आपको रिश्ता मंजूर है? चलो बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, मिठाई खाइए। ओके किशन, ओके ओके। ये क्या मोहनलाल जी, 10 लाख रुपए कैसे आएंगे? आपने अपने बड़े बेटे हरि के बैंक लोन के लिए प्रोविडेंट फंड गिरवी रखा है ना, वो बैंक वालों ने अपने पास रखा है। हर महीने मेरा लड़का लोन भर रहा है ना? नहीं भर रहा है। आप दोनों को पता है फिर भी ऐसी बात कर रहे हैं? लोन बैंक से लिया था, फ्रूट शॉप बंद कर दिया ना, लॉस हो गया है, ये बात आप दोनों को पता है ना? आखिर मैं क्या करूंगा, आप समझ रहे हैं ना, मैं बैंक में डाका तो डालूंगा नहीं, नहीं। मुझसे एक बार भी पूछे बगैर। मैंने सोचा आपको पता होगा। ए! ये गलत है, अच्छा खासा कमा रहे हो,
गिरगांव में घर भी खरीदा है, शान से घूमने के लिए गाड़ी भी खरीदी है। तो सारी जानकारी है आपको? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से हैं? मैं घर से निकल रही हूँ। तेरा बाप गिरगांव का राजा, तेरी माँ मैसूर की महारानी, ये फालतू बातें मुझे मत सुनाओ। कहाँ से लाई हो? करोड़ों रुपए अपने घर से लाई हो? बहुत ज्यादा बोल रहे हो। कब बोल रहे हो क्या? मैं सब समझता हूँ। सगी बहन की शादी के लिए रखे हुए पैसे तू हड़प गया है। तुझे हाय लगेगी इसकी, मिट्टी में मिल जाएगा तू। जो मुंह में आए वो बक मत बनना, कुत्ते की मौत मारोगे, समझे? बेटी 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 ऐसी गलत बातें मत करो। बेटा बेटा सुनो मेरी बात, ऐसी अपशगुन भरी बातें मत करो बेटा। अगर ये रिश्ता चला गया तो तेरी बहन की जिंदगी सर्वनाश हो जाएगी बेटा। उसका जीवन सुखी रखने के लिए मैंने सारी जिंदगी पेट काट काट के एक एक रुपए जमा किया है बेटा। वो पैसे दे दो बेटा, वो पैसे दे दो प्लीज। उसकी शादी रुक जाएगी बेटा, समझो मेरी बात को। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ बेटा। चलो हटो। ए जानवर, इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? पहले से कह रहा हूँ हमें अचानक वाला रिश्ता नहीं चाहिए। अब इसे अमेरिका के रिश्ते की क्या जरूरत है? तुम्हारे जैसे कोई टीसी या कोई पोर्टर से शादी करेंगे तो ठीक नहीं है क्या? ये क्या? मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुकूंगा। इकलौती बेटी की शादी के बगैर जा रहा, मैं जीना नहीं चाहता भैया। ऐसी बातें मत कर भाई, चुप हो जा, चुप हो जा। भैया आपसे एक बात करनी है। 10 लाख मेरे से ले लीजिए भैया। बहन हम सबने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, तो भी ऐसे वक्त में हमारा साथ दे रही हो। तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा बहन, कैसे चुकाऊंगा? ऐसी बात मत करो भैया। अपनी बेटी गौरी की शादी के लिए बहुत मेहनत से उस राक्षस से छुपा छुपा कर कुछ पैसे जमा किए हैं। मेरे साथ जो भी हुआ इसलिए गौरी को बाहर के लोगों को देने में मुझे डर लगता है भैया। मुझे तुम गलत मत समझना, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो भैया मेरी बेटी गौरी और रामकृष्ण की एक साथ दो शादियां कर सकते हैं भैया। बोलो ना भैया, मैं हाथ जोड़ती हूँ। वो बात नहीं है बहन। बेटा 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 बताओ, आधे घंटे का टाइम दो बुआ। रामकृष्ण, आधा घंटा। जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं, इतना सीन नहीं रे, इट हैपेंस, होता है। इतने उदास क्यों खड़े हो? इट्स ओके, इट हैपेंस। मोटू मोटू कम आओ, कम आओ। गायत्री अमेरिका जा रही है, हम सबको खुशी होनी चाहिए। तेरी जगह अगर मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती। इट्स ओके, आई एम योर दोस्त ना, कम ऑन। फॉर यू एनीथिंग, ऑलवेज लिसन टू मी, यू आर माय टार्जन। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, एंड आई नो यू लव मी, बियॉन्ड दैट नथिंग मैटर्स। हाय मोटू, go on, all the best, you can do it, huh? Come on Motu, come on, come on. गायत्री को पता चलेगा तो चुप नहीं रहेगी, बहुत हंगामा मचाएगी। शादी करने के बाद वो अमेरिका चली जाएगी, उसके बाद गौरी से शादी कर लूंगा। मुझ पर यकीन करो बुआ, मेरी माँ की कसम। नहीं नहीं ऐसी बात मत करो बेटा, रॉकी मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लड़का है, वो जो करेगा अच्छा करेगा।
I'm okay. I'm perfectly okay. गौरी गौरी वो तुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं। तू बहुत खुश नसीब है मेरी बेटी। Hey,
मैं हूँ ना, चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जीजा जी इसे संभालना, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे की तरह ही इसे संभालना। जी क्या भैया अभी आ रहे हो? क्या बताऊं, सरपंच के चुनाव है ना, सब जगह हमें ही चक्र घुमाना है। कौन है, काम वाली है क्या? अरे नहीं तो, हमारी बहू है। बहू है, ऐसा लगता तो नहीं है। कितना रुपया लाई है? 10 लाख रुपया। तो म्युनिसिपैलिटी में कुत्ते पकड़ने वाले को भी 10 लाख मिलता है, अमेरिका में रहने वाले को तो कम से कम 1 करोड़ मिलना चाहिए। हाँ मेरी पागल बहना, कल या परसों से सरपंच के चुनाव चालू है ना। हाँ। एक आदमी को अपना सपोर्ट देकर जिताया है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, उसकी बस एक ही वीकनेस है, उसे अपनी बेटी को अमेरिका भेजना है। उसके बारे में मैंने सोचा था, लेकिन तुमको पता नहीं क्या जल्दी थी, इसकी शादी गायत्री से कर दी। ये बात 1 महीने पहले पता होती तो इस फालतू रिश्ते को हम टुकड़ा देते भैया। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मतलब आमचोर कहीं की, ठीक से साफ कर, फालतू में 10 लाख देकर कितनी अच्छी तरह से अमेरिका देख रही है, तकदीर है तेरी। जिंदगी में कभी एरोप्लेन को करीब से देखा है? मुंह देखो, अमेरिका जाएगी अमेरिका। राम कृष्ण फुल्लो सत्या फिल्ली परमेश्वर प्रसाद शंकर जोशी बाबूराव राम कृष्णा। ए वासु चुप चुप, इसमें रोने की क्या बात है? सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या हुआ, अगली बार हो जाएंगे, चुप हो जाओ। सही कह रहे हो, मेरे गुरुजी ने कहा था आज का दिन अच्छा नहीं है, मत जाओ। छी, मैंने उनकी बात नहीं मानी। एक रोना धोना बंद करो, एक बात याद रखना, गोल घूमने वाली जमीन के लिए वास्तु क्या है, अपने आप पर भरोसा रखो, कामयाबी मिलेगी। सर हा? लेकिन मेरी हालत ऐसी नहीं है, गांव में मामा जी की लड़की सुब्बू की शादी किसी और से कर रहे हैं, ये नौकरी मुझे नहीं मिली तो मेरी शादी नहीं होगी। सर सर आपका फेट मेरे जैसा नहीं है सर, आप थोड़ा बहुत दिल रख के अगर हट जाए तो ये नौकरी मुझे मिल जाएगी सर। अगर आप चाहे तो मैं आपको 1-2 लाख रुपए दे सकता हूँ सर, आप ये 2 लाख रुपए ले लीजिए सर। पागल है क्या, स्टेशन मास्टर होना मेरी चाहत है, मेरा सपना है। I'm sorry. सर, 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 और चाहिए तो मैं 3 लाख तक दे सकता हूँ। छोड़ ये लीजिए, आप अपने पास रखिए सर। अरे इतना सोच के मुझे फोन कीजिएगा सर। राखी घर पे जा रही है, राखी बांधने क्यों नहीं जाएगी तो तेरा भाई मुझे मारने आएगा क्या? ऐसी बात नहीं है जी, भैया मेरा इंतजार कर रहे होंगे, राखी बांधकर जल्दी आ जाऊंगी। तुझे उन मजदूरों के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है समझी, जाने का कोई बहाना चाहिए। माँ जी मेरे घर वालों के बारे में ऐसी बात मत कीजिए। अरे 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 तुम्हारे घर के बारे में कुछ कहो तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ जाता है? लेकिन क्यों, जो मांगा था वो दे दिया ना? तुम्हारे वाले फालतू 10 लाख, तुम्हारी वजह से मेरे भाई को 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। रिश्ता कर लेना चाहिए था, मुझसे शादी क्यों की? रिश्ता नहीं करना चाहिए था। ऐसा है तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, अपने घर चली जाऊंगी। चली जा, चल दो, नहीं भैया, भैया बेटा।
इस संसार में गुस्सा भी होता है, प्यार भी होता है। गुस्से में मर्द और औरत के बीच ये होता ही रहता है। क्या सोचना, मैंने अपनी बीवी के साथ कितनी बार झगड़ा किया, मारपीट किया, तो क्या हम अलग हो गए? अब गुस्से में आकर कोई गलत कदम मत उठा लेना। नहीं पागल हो गए क्या बेटा? आप समझते क्या नहीं है? हमारी गायत्री को वो लोग गायत्री को बुरी तरह सता रहे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। चाहिए चाहिए और उसे लेकर आइए। चाहिए नहीं बेटा, चाहिए आप लोग, वरना वरना मैं जाऊंगा और उनको खत्म कर दूंगा। चाहिए आप लोग, अरे चाहिए, अरे पहले चाहिए। गायत्री बेटी, भैया भैया नाराज मत हो भैया। उस वक्त क्या करना था मेरी समझ में नहीं आया। कुछ भी हो वो मेरे पति है ना, कम से कम मेरा मुंह देखकर तो चुप हो जाना था भैया। तुम सच कह रही हो ना भैया? बेटी क्या हुआ बेटी? नहीं 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 बताऊंगी, छोड़ दो मुझे। नहीं भैया कुछ नहीं भैया, दूध उबल रहा था तो जल्दी जल्दी में पकड़ते ही गिर गया और मेरे हाथ जल गए। जल्दी सोडा वाटर में लेकर आती हूँ। आराम से आराम से। आज राखी का त्योहार है ना भैया, ये राखी तुम्हें बांध पाऊंगी या नहीं, ये सोच सोच के मैं बहुत रोई। सारा झगड़ा इसी का है भैया। राखी का मतलब पता है ना भैया? रक्षाबंधन, मरते दम तक भाई अपनी बहन का साथ देता है, उसकी रक्षा करता है। अब मेरी ही नहीं भैया, मेरे पैदा होने वाले बच्चे की भी रक्षा अब तुम्हें ही करनी है भैया, तुम्हें ही करनी है। हाँ बहन। हाँ भैया। क्या भैया? ये बात तुम्हारे ससुराल वालों को मालूम है? नहीं पता है? गलत बात है, ये बात पहले उन्हें पता होनी चाहिए, उसके बाद हमें पता होनी चाहिए। चलो 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 घर चलेंगे। अब ये क्या बात कर रहे हैं? गायत्री अब उनके यहाँ नहीं रहेगी, गायत्री अब हमारे यहाँ रहेगी। मुंह बंद करो, यहाँ रहकर क्या करेगी ये? अपने हाथों से अपनी बहन की जिंदगी खराब कर रहे हो तुम, अपने जीना पर हाथ धाड़े हो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अपनी सगी बहन की जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हो तुम, हैं? चलो चलो मेरे साथ चलकर माफी मांगो तुम, चलो चलो चलो। पापा समधन जी, दामाद जी, ये अभी छोटी बच्ची है, भाई को राखी बांधने की उत्सुकता में आपको बगैर बताए आ गई थी। जानता हूँ इसने गलत किया है माँ जी, लेकिन एक बार इसे माफ कर दीजिए। हम इज्जतदार लोग हैं, हम आपकी बेटी की तरह घर छोड़कर रोड पर नहीं गए थे। माता जी ऐसी बातें मत कीजिए, ऐसी बातें मत कीजिए, हमारे घर में भी औरतें हैं, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, इस बार इसे माफ कर दीजिए। अपने घर में रहने दीजिए माँ जी, अपने घर में रहने दीजिए। सॉरी जीजा जी, गलती मेरी है, मैं होश क्यों बैठा था? आप अगर मुझ पर गुस्सा है तो मुझे गाली दीजिए, मुझे मारिए जीजा जी, लेकिन मैं आपके पैर पड़ता हूँ जीजा जी, इससे कुछ मत कहिए जीजा जी, वो इस समय अकेली नहीं है जीजा जी, प्रेग्नेंट है जीजा जी, प्लीज। गायत्री तुम मां बनने वाली हो, मुझे नहीं बताया तुमने, शर्मा गई थी। अरे अरे उठे साले साहब, ये क्या, ये सब तो घर में होता ही रहता है। ड्यूप्लेक्स फ्लैट बेचना है, माँ का प्रॉब्लम है, मेरा और गायत्री का अमेरिका वीजा लेना है, 5 लाख रुपए चाहिए, क्या करूं?
मैं उसी टेंशन में घर आके देखा तो औरतों के झगड़े। अरे बुरा मत मानिए, सॉरी गायत्री, 5 लाख का टेंशन। 5 लाख के लिए टेंशन मत लीजिए जीजा जी, कल सुबह तक मैं आपको दे दूंगा। अरे बात तो सुन, आप लोग चुप रहिए। हाँ मैं दे दूंगा जीजाजी, कल सुबह तक ला दूंगा। अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हो जीजाजी, आपको मिल जाएंगे। अमेरिका जाने के बाद आप मुझे ये पैसे लौटा देना। अरे मुझे नहीं चाहिए, मैं आप दोनों के साथ खुशी से रहूंगा। हाँ जी जाजी, मैं खुशी से रहूंगा। अरे कल सुबह तक पैसे मिल जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप लोग रुकिए, मैं बात कर रहा हूँ। अच्छे से रहना जी, गायत्री को अच्छे से रखना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। कल आपको पैसे मिल जाएंगे, कल लेकर आता हूँ। आप लोग जाइए, मैं आता हूँ, आप लोग जाइए। अरे जीजाजी कहाँ से लाओगे? सच में सॉरी जीजाजी, गलती हो गई जीजाजी, संभल के। अब वो अकेली नहीं है, मैं आता रहूंगा। बहना मैं आता हूँ, आता हूँ। रामकृष्ण लोग जाइए, मैं आता हूँ। अब चलिए रामकृष्ण। रोकी जी, तुमने 4 लाख देने के लिए कहा था, लेकिन मुझे अर्जेंट 5 लाख चाहिए। अगर तुम दे दोगे तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। तुम्हें अक्ल नहीं, घर से निकालने को कहा तो मां बना दिया उसे, अभी उसको वापस क्यों घर में रख रहे हो? अरे उसे भेजकर हम यहाँ आराम से रह सकते थे। फिर उसे घर पे रखोगे क्या? इसीलिए मैंने 5 लाख रुपए मांगे हैं, कहाँ से ला कर देंगे वो? बिल्कुल सही, इसी बहाने उसे फिर उसके घर भेज सकते हैं हम। अगर वो पैसे लेकर आए तो? ए सुन ले, सब कुछ सुन लिया। तुझे हमेशा के लिए घर भेज कर दूसरी शादी कर लूंगा। दहेज कितना है मालूम? 1 करोड़। मैं अभी अपने भैया से बात। क्या? घर का वास्तु अच्छा नहीं है, दक्षिण की तरफ घर हो तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरे गुरुजी ने बताया था कल परसों। सॉरी जी, ये लीजिए, ये डाइवोर्स पेपर है। साइन कर, साइन कर, साइन कर, साइन कर, साइन कर, साइन कर ना। डाइवोर्स पेपर है, मैं तब तो दूसरी शादी कर सकता हूँ। जल्दी कर, जल्दी कर, पकड़ो उसे। अरे पकड़ो, पकड़ो उसे। हम रुको 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 रुको, लाइसेंस लाइसेंस लाइसेंस, इंश्योरेंस पेपर सर, सर, कहाँ है? सर, लाइसेंस सर, मुझे जल्दी जाना चाहिए। इस घर के चौखट को पार किया तो पुलिस केस, अब तेरा अमेरिका जाना टोटल फेल। फिर वो करोड़ों रुपए कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए इसे छुटकारा पाना। तुम हो? आते सासुमा, गायत्री को बुलाइए ना, मैं उससे मिलने आया हूँ। गायत्री, पैसे है मेरे पास, गायत्री को बुलाइए ना। गायत्री, बहन गायत्री, उसे बुलाइए ना। घर पर नहीं है बेटा। नहीं है तो वो कहाँ गई है? पेट से है ना, आइसक्रीम मांगाओ तो तेरे जीजाजी अपने साथ लेके गए हैं। हाँ सासुमा, उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है, एकदम बच्ची है, मुझे याद नहीं था, नहीं तो मैं लेकर आता। नमस्ते, ठीक है मैं यही वेट करता हूँ। क्या है ना सासुमा, वो तो वैसे ही बच्ची है और उसको भी बच्चा होने वाला है, देखना उसको लड़का ही होगा। मैं मामा बन जाऊंगा, मैं यही रुकता हूँ, उसका वेट करता हूँ। ऐसे नहीं बेटा, वो वहाँ से आईमैक्स फिल्म देखने जाएंगे तो देर हो जाएगी। सिनेमा देखने गई है तब तो लेट हो जाएगी। अगर मुझ पे विश्वास हो तो कल तेरे जीजाजी को मैं दे दूंगी। अरे रे, मैंने अपनी बहन दी आपको तो ये पैसे देने में क्या हर्ज है? लीजिए सासुमा, 5 लाख रुपए संभाल कर रखिए। ये माँ के मंदिर पे मैंने अपने भांजे के नाम पर पूजा करवाई, गायत्री से कहना सोने से पहले ये अपनी मांग में लगा कर सोए। मैं चलता हूँ भैया। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो, ऐसे क्यों खड़े हो? कुछ नहीं, कल सुबह आऊंगा। क्या कहूँ नाना, बेचैनी सी हो रही है, कुछ ना कुछ होने वाला है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग मर जाओगे ये पीते पीते, बहुत कड़वा है ये। वो तो ठीक है पर नौकरी का क्या हुआ? नौकरी की बात को भूल जाइए, बहुत नौकरी मिल जाएंगे, गायत्री को खुश रहना चाहिए, अमेरिका जाएगी, मेरा भांजा अमेरिका में पड़ेगा। नारियल का हलवा गायत्री को बहुत पसंद है, कल बनवा कर ले जाऊंगा,
अरे धीरे से बेटा, गायत्री याद कर रही होगी। अरे बेटा मिलने जाओ। अरे क्या कर रहे हो पानी की तरफ पीते जा रहे हो भगवान। नहीं नहीं ऐसी हालत में मत जाना बेटा, मत जाना। बैठ, ये ले भाई जाना। गायत्री नाराज हो जाएगी। बेटा पीकर मत जाना, मत जाना बेटा। हाँ पीकर मत जाएंगे, उड़ के जाएंगे। सुबह उठते ही चले जाना बेटे। हाँ क्या हुआ रे? गायत्री हॉस्पिटल में है। चलो क्या हुआ, हमारी गायत्री कहाँ है? ये नहीं, मैं गायत्री पूछ रहा हूँ। गायत्री जन्म जन्म तक तुम मेरा साथ दोगे ना भैया, मेरी रक्षा करोगे ना? रसोई में खाना बना रही थी, साड़ी को आग लग गई और मर गए। ऐसा ही लिखा हमारी पुलिस रिपोर्ट में। बैड लक, कुछ नहीं कर सकते आप, केस नहीं हो सकता। लड़की तो गई, केस भी नहीं। गरीब हो, लाख रुपए दिलवाऊंगा, केस वापस ले लो। सर लाख रुपए दोगे? दे देंगे सर। हाँ सुनो सुनो सर, इसके लिए आपने इनसे कितना लिया है? 1 लाख रुपए। 2 लाख तुम दे दो, केस तुम्हारी तरफ कर दूंगा। एक काम करेंगे सर, कुछ ना कुछ करके 3 लाख देता हूँ, तुम चुप रहो। नहीं, अपनी बेटी साथ सुलाओगे? ए बुड्ढे, कैसे बोलता है तू? नहीं सर, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? केस करेगा तू? निकल यहाँ से। क्या करेगा तू मेरा? जाओ यहाँ से। तू केस करेगा? देखता हूँ क्या करेगा तू मेरा। निकल यहाँ से। जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। निकल यहाँ से। यहाँ मोहनो कौन है भाई साहब? ये है। नमस्ते। आप? मेरा नाम सच्चिदानंद है, क्रिमिनल लॉयर हूँ। मैं चलता हूँ। नमस्ते। लक्ष्मी देवी है, मरने वाली तो मर गई, अब वो वापस थोड़ी आएगी। क्यों ठीक है ना, वो पैसा खिलाएंगे, उनका काम बन जाएगा। मेरी बात मानिए, कंप्रोमाइज कर लीजिए।
कोर्ट से कोई काम नहीं होता, सुबह होते ही सब भूल जाते हैं। भाई साहब फिक्र मत कीजिए, 3 लाख दिला दूंगा, केस विड्रॉ कर दीजिए। बड़े भाई 3 लाख। कंप्रोमाइज नहीं करोगे, कोर्ट जाओगे? जाओ। एक बात और सुन लो, आज इंडिया में कितने केस पेंडिंग है उनको पूरा होने में पता है कितने साल लगेंगे? 360 साल। आपको कोर्ट पर भरोसा है ना? तो ठीक है, वहीं मिलते हैं। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी कोर्ट के चक्कर काट कर, मेरी बात मानो। क्लियर कट केस है सर, मेरे क्लाइंट से पैसे खींचने के लिए ड्रामा कर रहे हैं ये लोग। मेरे साथ एक दिन भी पत्नी जैसा बर्ताव नहीं किया उसने, उल्टा मुझे ही मारा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है ना सर, चलने के कारण उसकी मौत हुई है सर। डेड बॉडी के ऊपर और कोई निशान नहीं था सर, उसका चरित्र बहुत ही खराब था सर। उसके क्लासमेट से उसका रिश्ता था, कॉलेज में उसने बड़े गुल खिलाए थे सर। हमारी इंक्वायरी में लड़की का कैरेक्टर अच्छा नहीं था सर, बेसिकली शी वाज मेंटली इम्बैलेंस। उस लड़की का कैरेक्टर अच्छा नहीं था सर, कॉलेज में ही 2-3 लड़कों से अफेयर थे उसके, वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब लगती थी, उल्टी सीधी हरकतें करती थी। शादी के दिन से ही उसने हमें कभी सुख नहीं दिया है, इसीलिए मैंने डिवोर्स मांगा तो 20 लाख का डिमांड किया। अक्यूट डिप्रेशन एंड मेंटल डिजास्टर। खाना बनाने के लिए वो खुद किचन में गई थी। मैं खाना बनाऊंगी कहा था, किचन में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी थी सर, मेंटल लड़की थी सर, कब क्या करेगी उसे खुद पता नहीं था। साइलेंस। क्या बीपी, आपके पास कोई एविडेंस है? नहीं है, कह दो। नहीं है सर, एविडेंस नहीं है तो केस बंद करा दीजिए। इस केस का जजमेंट अगले महीने की 15 तारीख को सुनाएंगे। नेक्स्ट। अरे अरे, ये क्या है, ये कैसा गुस्सा? मैं क्या अपने आप से बात कर रहा हूँ? पत्थर बन के खड़े क्यों हो? चुप क्यों हो? पागल हो गया हो क्या? बोलो। अरे अरे, क्या कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ छोड़ दो उसे, क्या कर रहे हो? मेरे साथ तो है क्या? आपकी ये हिम्मत होगी? क्या कर रही हो? मामा जी पर हाथ उठा रही हो? पता नहीं क्यों यहाँ रहने का मेरा मन नहीं होता भैया, गायत्री की याद आती है। मैं अपने गांव चली जाऊंगी, जिस घर में मौत होती है साल के अंदर, अगर वहां कोई शुभ कार्य हो तो सारे सुख दुख में बदल जाते हैं भैया। अच्छा मुहूर्त देखकर गौरी की और रामकृष्ण की शादी करा दो तो बहुत अच्छा होगा भैया, तुम भी सोच लो भैया, कुछ तो बोलो भैया। आइए अंकल आइए, देर हो रही है, कोर्ट जाना है ना, आज फाइनल फैसला है। कोर्ट जाने से क्या होगा बेटी, वहां इंसाफ मिलेगा मुझे नहीं लगता है, ये सब मेरे कर्मों का फल है। ऐसा मत सोचिए अंकल, अगर ये कोर्ट नहीं तो ऊपर की कोर्ट में जाएंगे, वहां लड़ेंगे, हमें न्याय जरूर मिलेगा, उसके बाद ही गायत्री की आत्मा को शांति मिलेगी। चलिए चलिए, रॉकी कहाँ है? Get it!
केस के तमाम पहलुओं और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि गायत्री की मौत लापरवाही का नतीजा है। इसलिए यह अदालत मिस्टर किशोर, श्रीमती पद्मा और उनके भाई को निर्दोष मानते हुए इन सबको बाइज्जत बरी कर दी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था सीधी बात की तो गोली से उड़ा दूंगा, समझा? अरे चलो यहाँ से, इस पागल आदमी से क्या बात करना, चलो। पागल पागल, हम शेर जैसा मेरा बेटा अभी तक चुप बैठा है, अगर वो जाग गया तो समझ लो ए, तुम लोगों को कुत्ते की मौत मारेगा, तुम लोगों को सरपरवेश कर देगा। ए, तुम लोगों को हाय लगेगी उस लड़की की, भगवान ने चाहा तो तुम लोगों का सर्वनाश हो जाएगा, मिट्टी में भी जाओगे तो कभी न। चलो चलो बैठो बैठो, अंदर बैठो, चलो आओ। जीजा में आग लग गई है। वकील साहब, पंडित जी आरती दो, आज खुशी का दिन है। क्यों ऐसे धक्का क्यों मार रहे हो? अभी तो धक्का नहीं मारा, मारूंगी तो बोलना, जा जल्दी जल्दी करो। अरे कितनी जल्दी है तुझे, थोड़ा तो रुको। आरती दो, हे भगवान रक्षा करना, भगवान के सामने हमेशा सर झुकाना चाहिए। हे भगवान मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे। मैडम क्या है, मुझे अरेस्ट करने आए हो? बस ऐसे ही कुछ है मैडम, दो घंटे से कमिश्नर साहब परेशान है। आओ बेटा। ए, ये मेरा बेटा है, आलतू फालतू नहीं है। कमिश्नर साहब लाइन पर। हाँ हाँ, 10 मिनट में आती हूँ, आप पेपर रेडी कीजिए। हाँ ठीक है, चलो बेटा। ओहो अच्छा तो तुम आ गई। त्रिपुरा कोर्ट में कुछ मर्डर हो गए, हम लोग वहीं जा रहे हैं, तुम चलोगे हमारे साथ? अरे जल्दी चलना। रुको एक सेकंड त्रिपुरा। अरे ओ हाय, सिर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कॉफी पिलाओगी? रॉकी प्लीज। ओह कोर्ट में जो हुआ उसके लिए क्या करूं,
तीन महीने की गर्भवती मेरी बहन, फिर भी चलाकर मार डाला। इंसाफ के लिए पुलिस के पास गए तो कहा 1,00,000 रुपए दिला देते हैं, नहीं तो 2,00,000 दो, केस तुम्हारे फेवर में कर देते हैं। लॉयर ने घर पर आकर कहा जो मर गई वो तो मर गई, वापस आएगी क्या? 3,00,000 रुपए दिला देता हूं, पैसे तो वक्त पे काम आते हैं। मेरी बहन की कीमत 3,00,000 रुपए। उस डॉक्टर ने कहा एक्यूट मेडिकल मेंटल डिप्रेशन। गायत्री पागल थी त्रिपुरा, सब पैसे के लिए बिक रहे हैं सबके सब, कहीं कोई ईमान नहीं। अदालत और पुलिस स्टेशन ही जब ऐसे हो जाएंगे तो इंसान कहां जाएगा? इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? तुम लोगों को मालूम भी है, इस इंफॉर्मेशन लिस्ट के हिसाब से इसी देश में एक बाप ने अपने बेटे को बेच दिया, सके बाप ने सके भाई ने अलग अलग मिलकर 16 साल की लड़की को गर्भवती कर दिया ओल्ड सिटी में। दूसरी जगह हॉस्पिटल में एक्सरे के लिए आई लड़की से कहा कपड़े उतारो तो एक्सरे फोटो आएगी, कपड़े उतारवाकर सेल फोन से फोटो खींचे एक डॉक्टर ने, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर अमेरिका रिटर्न, लेडी पेशेंट की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। दूसरे ने भी ऐसे किया, अपनी बीवी को मार के दूसरी शादी करके उसे भी सता रहा है। एक आईएएस ऑफिसर ने अपनी बीवी को घर पर चला दिया ट्यूशन के लिए, घर पर आई लड़की को बेहोश करके बलात्कार किया एक लेक्चरर ने, और एक 10th क्लास की लड़की ने सर की बात नहीं मानी तो एग्जाम में फेल कर दिया मास्टर ने। गांव से शहर आई लड़की को चकले में बेच दिया जाता है, ऑटो ड्राइवर अकेली लड़कियों को बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता में ले जाकर बेच रहे हैं, लोग राक्षस बन गए त्रिपुरा। कितने छोटे छोटे बच्चे, कितने सारे गायत्रियां हैं। याद है तुमने एक बार पूछा था अपनी गायत्री के लिए तो हम हैं, लेकिन एहसास मर गया है हमारा, और जब टीवी पर ये सब दिखाया जाता है तो चुपचाप बैठकर एंजॉय करते हैं, इट इज जस्ट एंटरटेनमेंट। इसलिए मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा, जरूर सिखाऊंगा। मुझे डर लग रहा है, जो हुआ सो हुआ। बेटा तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, ये मेरी जान है बेटा, जान है। तुम भी हमारे साथ चलो, हम अपने गांव चले जाएंगे, इन लोगों से दूर अपनी जिंदगी जिएंगे। बेटा तुम मेरे बेटे हो, मेरी जान हो। इतने दिनों से डर डर के भी गायत्री की हम जिंदगी नहीं बचा सके। ए रॉकी, अब और किसी गायत्री की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। अब औरतों की आंखों में आंसू आए तो उन्हें आग लगा देना चाहिए। जाओ जाकर सबको खत्म कर दो। अरे जाओ रॉकी, सबको खत्म कर दो, जाओ, हमारी चिंता मत करो, जाओ। सुन भाई, जाओ गायत्री का बदला लो, जाओ रॉकी, जाओ। अब तुम रॉकी नहीं कालिया बन जाओ और सबका सर्वनाश करो।
हूँ, लेकिन ये एहसास तो है जब रूम में ले जाकर एक के बाद एक बहुत बेरहमी से मुझ पर उन्होंने हमें बहुत सताया। जो लोग लड़कियों पर रहम नहीं करते और उन्हें जानवर की तरह मारते हैं, अत्याचार करते हैं, उन्हें मारना ये कोई गुनाह नहीं है, यही न्याय है। ये लड़कियाँ रॉकी को भगवान मानती हैं। What is it? What are you trying to do? हर बात में सेंसेशन पैदा करना जरूरी है। उनके ऊपर मुझे भी गुस्सा आता है, अन्याय हुआ है, लेकिन जो मरे हैं वो सब क्रिमिनल्स नहीं थे, उनमें अच्छे लोग भी थे, उनमें अच्छे लोग थे ना। सुनो, रिकॉर्ड करो, मैं बोल रही हूँ, टेलीकास्ट करो, कैमरा ऑन करो, टीवी पे लगाओ, टीवी पे लगाओ। ये सचमुच के टेररिस्ट लोग, बदमाश लोग, नक्सलाइट लोग, लुटेरे यही सब कर रहे हैं। ये उन्हीं का काम है, हमारे देश में आतंक फैलाने के लिए, आप सबको डराने के लिए, चीप चीप पब्लिसिटी कमाने के लिए। ये कुछ यूजलेस फेलो, इनका दिमाग खराब हो चुका है, वही ये सब कर रहे हैं और कुछ नहीं। मैं कहती हूँ हैदराबाद को शमशान बनाने वाले इन सब लोगों को मैं 24 घंटे में अरेस्ट करूंगी, जरूरत पड़ने पर मार डालूंगी। जस्ट थिंक अबाउट इट, हर मर्डर में मैक्सिमम 10-15 मिनट का गैप है। नामपली और पोटी के बीच में 7 मर्डर के बाद में हाफ एन आवर गैप, उसके बाद शेखरी जंगल में स्टार्ट हुआ है और 4 मिनट के बाद मलदपेट, कोटी, सीताराम बाग, संतोष नगर, नामपली, हिमायत नगर और टाइम बेड, खैरताबाद, समाधि गुड़ा, बंजारा हिल, यूसुफ गुड़ा, पंचगुट्टा, बारनपली, बेगमपेट, INTI, इन सारी जगहों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 10-7-10 मिनट, पेट्रोल से मर्डर, इसलिए मर्डर को 3-5 मिनट, कैसे कुल मिला के 15 मिनट में मर्डर हुए। सर ये हो सकता है? इट इज पॉसिबल? शट अप, फालतू की बातें कर रही हो, यू हैव लॉस्ट योर सेंसेस, तुम जाकर आराम करो, साइकोथेरेपी के पास जाओ। आप कुछ चीज ये कैसे पॉसिबल है रॉकी? वो हमारे सामने है, आपसे कुछ बात करना चाहता है। हो गया, बोलो। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम रामकृष्ण है, मुझे रॉकी भी कहकर बुलाते हैं। आज सुबह से हैदराबाद में जितने भी मर्डर्स हुए उनका जिम्मेदार मैं हूँ, मैंने ही मारा है। मैं कोई अलकायदा का टेररिस्ट नहीं हूँ, नक्सलवादी नहीं हूँ, आतंकवादी नहीं हूँ, मैं कोई लुटेरा भी नहीं हूँ, मैं आप लोगों की तरह ही एक आम आदमी हूँ। ये बात है तो इतने लोगों को क्यों मारा? मैं बताऊँ मैंने क्यों मारा? ओह शिट! क्योंकि अपनी बहन गायत्री से मैं बहुत प्यार करता हूँ। अमेरिका से उसका रिश्ता आया था और 10 लाख रुपए दहेज देकर शादी की थी, बहुत ही धूमधाम से, लेन देन में कोई कमी नहीं रखी थी। इसके बाद उन्होंने 5 लाख रुपए और मांगे, वो दिए भी, लेकिन दूसरी लड़की से शादी करने पर रुपए और ज्यादा मिलेंगे, इसलिए मेरी बहन को घासलेट डालकर चला दिया। हम पुलिस स्टेशन भी गए और कोर्ट में भी गए, केस वापस लेने के लिए हमें पैसों का लालच दिया गया, कहा गया केस छोड़ देंगे तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे, नहीं तो केस चलाने के लिए हमसे पैसे मांगे गए। मेरी बहन की तरह और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, वो सब की सब मेरी बहनें हैं, वो ये ना सोचे कि उनकी रक्षा कौन करेगा। ये व्यवस्था पूरी तरह सड़ चुकी है और इसका ऑपरेशन करके इसे ठीक हमें ही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इतना कुछ होने के बावजूद पुलिस क्यों चुप है? बेचारी बहुत बिजी है ना, उनके पास कितने काम है, गवर्नमेंट को देखना है, मिनिस्टर को देखना है, ट्रैफिक कंट्रोल करना है, बंदोबस्त करना है। आपको लगता है लोग आपका साथ देंगे? बैलेंस ऑफ टेरर मतलब? जब रोड पर चलते हैं तो कोई भी कुत्ता आपको काटने के लिए दौड़ेगा, लेकिन अगर हाथ में डंडा हो तो भौंकना तो दूर, वो बगल में आने के लिए भी डरेगा। मैं एक लड़की हूँ और मुझे कोई भी मार सकता है, ये डर अपने दिमाग से निकाल दीजिए, यही बैलेंस ऑफ टेरर है। सबको डरना चाहिए कि कॉलेज में अगर किसी लड़की से कुछ कहा तो कॉलेज के गेट पर ही मार दिया जाएगा। आधी रात को औरत के शरीर पर घासलेट की बूंद गिरी तो बीच चौराहे पर दिन में पेट्रोल डालकर चला दिया जाएगा, ये डर उनके अंदर होना चाहिए। डर पैदा होगा तभी सब रुकेंगे, यही बैलेंस ऑफ टेरर है। नेक्स्ट। आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक, या जब तक उन सबको नहीं मार देता। आप देख रहे थे मिस्टर रॉकी का इंटरव्यू, अब फिर से चलते हैं स्टूडियो में। तुमने जो कालिया का इंटरव्यू लिया है, श्रीदेवी चैनल को काफी ऊपर तक ले गया है, सेंसेशनल हो गया है, TRP बढ़ गई है, एड्स बढ़ गए हैं, स्पॉन्सर्स पे स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं। इसके लिए मैं चीफ एडिटर का पद देता हूँ, एक बंगला, एक कार प्रेजेंट करता हूँ, ये लो तुम्हारे लिए, लो। ए, मूव मूव। रॉकी का इंटरव्यू इसी चैनल ने लिया है ना? यस, मेरा ही चैनल है, श्रीदेवी चैनल। ए, ये चैनल हमको मालूम है, इंटरव्यू किसने लिया बताओ? मिस्टर होल्ड योर टंग। इंटरव्यू किसने लिया? मैंने लिया। ओहो, आपको हमारे DCP साहब बुला रहे हैं, आइए। अरेस्ट करोगे? वारंट है? ए, तुझे वारंट है? ए मिस्टर, अगेन यू आर इंटरफेयरिंग, क्या समझ रहे हो मीडिया को? फोर्थ स्टेट मीडिया कम्युनिकेशन, हमसे पंगा मत लो, एक एक को नंगा कर दूंगा। कौन है तुम्हारा DCP? ए, तुम रुको, जरूरत है तो अपने DCP को आने को कहो, हम इंटरव्यू करेंगे। वो क्या समझते हैं हमें, हाथ में चूड़िया पहन रखी है हमने, खाकी ड्रेस देखकर डर जाएंगे, तुम्हारे कहने से जीपे बैठ जाएंगे। Hey, give respect, take respect. We make the country, we'll break the country. This is media, powerful media.
अरे कुछ कहा इसने? हाँ कहा मैडम, इसने विल मेक द कंट्री विल ब्रेक द कंट्री। सुनिए मैंने सीरियसली ऐसा नहीं कहा, जस्ट फोर्थ स्टेट कहा मैडम। फोर्थ स्टेट? हाँ। बाकी के तीन स्टेट में क्या है? नहीं पता है। फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट लेडीज लेक्चर, पार्लियामेंट है पागल कहीं के, थर्ड स्टेट जुडिशरी मतलब कोर्ट, फोर्थ स्टेट प्रेस, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, टुडेज न्यूज़पेपर, टुमारोज वेस्टपेपर। अब वो सब मुझे पता नहीं मैडम, मेरी आवाज अच्छी है इसलिए ऐसा बकवास किया। आई एम सॉरी मैडम, माफ कर दीजिए मैडम। हिला तो। हाय त्रिपुरा, आई एम मिसेस अय्यर, मीनाक्षी अय्यर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। Very glad to meet you. It is very sad to meet you. चुप रहो। बहुत गुस्सा है पुलिस वालों पर। चॉकलेट खाने वाले बच्चों से लेकर आज या कल मरने वाले सीनियर सिटीजन सारे के सारे लोग पुलिस पर गुस्सा है। Very good. Good topic for TV program. कालिया कहाँ है? हैंडबैग घर पर छोड़ाई हूँ, शायद उसी में होगा, लेकर आओ। कॉमेडी बहुत हो गई। कोई भी गलती करे प्रेस वालों में से 10 लोगों को पता होना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मीडिया के रिस्पॉन्सिबल हैं। तुम्हें पागलपन क्यों सवार है? पागल तो ये व्यवस्था है, इंसाफ के नाम पर रोड पर गिरी हुई हमारी सरकार, शरीहीन समाज। औरतों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए कई सालों से काम कर रहे हो पर कुछ नहीं। एक मर्द शेर की तरह निकल पड़ा है औरतों पर हो रहे अत्याचारों से, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए। एक आदमी शेर की तरह इन गुंडों को वो नहीं छोड़ेगा। आपको शायद ये पागलपन लगे लेकिन यही सच है और हम सब उसके साथ हैं। तुम कालिया के लवर हो? लवर? मैं तो रॉकी की भक्ति करती हूँ, भक्ति करती हूँ, मैं रॉकी की पूजा करती हूँ। तुम्हें देखकर बहुत दया आती है। मुझे भी आपको देखकर ऐसा ही लगता है। हे भगवान, क्या करूं मैं इस पागल लड़की का। मेरी प्यारी सी माँ, चल मुंह खोल, चल बता कालिया किसे मारने वाला है, बता बता बता। कितने लोगों को मारेगा? हैदराबाद में एक ही दिन में 10 लोगों की हत्या करने वाला रॉकी उर्फ रामकृष्णा, जिसको गिरफ्तार करने के लिए सरकार ने 10 लाख का इनाम रखा है। पुलिस कमिश्नर ने यह आश्वासन दिया है कि उसे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खाना ठीक से नहीं खा रहा होगा, पहले हाथ धो। अरे गौरी, अरे साजन हूँ मैं तेरा, साजन। बहुत भूख लगी है, खाना। तुम्हारे साथ रहकर दिमाग खराब हो जाता है मेरा। अरे खाना खाना, भागो मत, तुम्हें देखने और खाना खाने आया हूँ। आंखों में तेरी दिलरुबा, महबूबा महबूबा मैं हूँ तेरी महबूबा। तूने दीवाना किया मुझको तो ओ दिलरुबा, दिलरुबा 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 आंखों में तेरी। ए महबूबा महबूबा
जब से तूने दिल को छुआ दिल ये मेरा तेरा हुआ मैं हुआ अब है जहाँ तू वो मेरे मितवा है दिल रुबा 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 दिल रुबा दिल रुबा दिल रुबा आंखों में तेरी दिल रुबा की शादी के लिए तुमने मदद की थी लेकिन मैंने मां के सर पर हाथ रखकर गौरी से शादी की कसम खाई थी मैं ये भूला नहीं हूं लेकिन आप में शादी करने के हालात में नहीं हो और अगर कर भी ली तो तुम जैसा सोचती हो गौरी की जिंदगी मेरे साथ वैसी नहीं गुजरेगी क्योंकि बुआ मुझे कब कौन मार दे खुद पता नहीं अरे बेटा ये सच है नाना जी सच है ये मुझे और भी बहुत से काम करने बाकी हैं इसलिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर इसकी शादी कर दो पैसों की जिम्मेदारी मेरी है ओके थैंकफुल Let's enjoy. Ah, come on. Rocky. 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 भारत कहाँ है? बता भारत कहाँ है? मुझे मालूम नहीं. मुझे नहीं मालूम. बता दोगे तो दोनों को छोड़ दूंगा. हट्टी के ले गया है. कहाँ गया? राजगढ़. हेलो व्हाट एक और गया क्या मीनाक्षी मामी रॉकी का स्कोर 42-43 शट अप लेट्स गो मैडम वो कालिया ए क्या है रे सुनिए सर मुझे भी उतार दीजिए मैडम ने कुछ नहीं कहा है मैडम ने नहीं कहा दीवार में घड़ी की तरह चिपका दिया अब मैडम ने नहीं कहा कहते हो अरे तुम्हें नौकरी किसने दिलवाई क्या है रे जा रे AP 10-8800 ट्रांसपोर्ट ऑफिस से पता करो ये गाड़ी किसकी है
स्टॉप इट। ये कार मिनिस्टर के बेटे भारत के नाम पे रजिस्टर्ड है मैडम। ओ माय गॉड। हाँ मैडम, अभी मीटिंग है मैडम। आई किल यू। यस सर। आई किल यू। सर यस सर। डू यू बैक। यस यू बैक मैंने कहा। गुड मॉर्निंग सर, मैं डीसीपी मीनाक्षी अय्यर बोल रही हूँ। आपका बेटा भरत कहाँ है? रेप किया है, मर्डर किया है, उसे डिस्टर्ब मत करो, अपना काम करो, फोन न करो। वो बात नहीं है सर, भरत की जान को खतरा है, इसलिए आप समझने की कोशिश। चुप रहो, तुम किससे फोन पे बात कर रही हो? तुम मुझे मामूली समझ रही हो? फोन न। एए, वो मेरा बेटा कहाँ उन बेटियों को जन्म देने वाली रहम दिल माएं तुमसे पूछती है। अपनी औलाद की तकलीफ पर रो देने वाली माएं आज तुमसे पूछ रही हैं, दिल पर हाथ रखकर बताओ, दूसरे की मासूम लड़की के साथ जंगली जानवरों की तरह बर्ताव करते हुए, उन पर जुल्म करते हुए तुम्हारा कलेजा फट क्यों नहीं जाता? दूसरों की कोख से जन्मी मासूम बेटियों को खून में लथपथ करते वक्त तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी ममता कहां मर जाती है? ना, 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 प्लीज, प्लीज, कुछ मत करना, प्लीज, कुछ मत करना, स्टॉप, कुछ मत करना, कुछ मत करना, चलो। अब समझ में आ गया ना, कंगन पहनने वाली नाजुक सी लड़कियों की आहें क्या कर सक, उन कंगनों के पीछे एक राखी भी होती है, वही राखी है ये कालिया। नहीं नहीं कालिया, नहीं 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 कालिया, नहीं कालिया, डरने करो नहीं कालिया, नहीं सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी, डीसीपी मीनाक्षी अय्यर ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की लेकिन सर, आई एम सॉरी सर, हमने बहुत कोशिश की, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुमने क्या पकड़ा है? जब वो मेरे बेटे को मार रहा था उस समय तुम लोग क्या नौटंकी देख रहे थे, कमरे ला रहे थे, तुम लोग साले यूनिफॉर्म सर के नीचे रख के सो रहे थे, चले जाओ। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मारा गया, तुम लोग सारे के सारे निकम्मे हो पूरे। माइंड योर लैंग्वेज, हमारे डिपार्टमेंट की इंसल्ट मत कीजिए, कंट्रोल योरसेल्फ। बिना काम के चोर लोग, क्या है तुम्हारी पुलिस? हम लोगों को लूट मारने के अलावा और हमारे लिए बंदोबस्त करने के अलावा तुम्हें आता क्या है? इन सभी पुलिस वालों को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दो, बाहर निकालो, सभी को भगा दो, भगा सभी को। विनाश काले विपरीत बुद्धि, पुलिस से पंगा ले रहा है तू, तेरे बुरे दिन आ गए रे। आया सर, आया सर। I'm sorry मीना, एक पुलिस ऑफिसर हूँ, एक औरत भी हूँ, ये जानते हुए भी मुझे दुख नहीं हुआ सर, लेकिन उसकी बातें सुनी, सुन रहे थे क्या कहा? हम असल में कौन है सर? ये पागल कुत्ते हैं जिन्हें हम बचा रहे हैं। मैं पूना में एसपी की पोस्ट पर काम कर रही थी, तब दारू की भट्टी लगाने के जुर्म में हथकड़ी पहनाकर रोड पर खींचती ले गई थी, व्यभिचार और गंदे काम करने के जुर्म में इसे नंगा करके स्टेशन तक ले आई थी, और रामजादा अब देखिए, मिनिस्टर बनकर
हमारे डिपार्टमेंट को नंगा कर रहा है डरपोक बदमाश। मैं अगर आपकी जगह होती तो शूट कर देती उस बदमाश को। कमीना, अपने डिपार्टमेंट को क्या पनौती लगी है? उसके बेटे और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर गैंग रेप किया। भवानी का, मैंने बहुत मेहनत करके गवाहों के साथ अरेस्ट किया था, लेकिन एक कॉल पर मुझे उसको छोड़ना पड़ा। कालिया उस कुत्ते को मार रहा है सर। लड़कियों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ वो कालिया अपना काम कर रहा है। डिपार्टमेंट क्या कर रहा है सर, आप बताएंगे मुझे? करेक्ट है वो बिल्कुल, कालिया बिल्कुल करेक्ट, वो एकदम करेक्ट है। He is the one and only police officer in our society, the real police officer. ये हमारी ट्रेजेडी है। हम सारे के सारे हार्ड वर्किंग पुलिस ऑफिसर को पकड़ने के लिए यूनिफॉर्म पहनकर उसके पीछे भाग रहे हैं। It's a shame on us, really, really shame on us. I'm sorry, sir. I'm sorry. Excuse me, मैडम ने कहा है तुम जा सकती हो। अभी देखना, दाल चावल में घी डाल के एक निवाला मैं खाऊंगी, एक तुम खाना। नमस्ते मैडम, मैं हूँ कालिया। सॉरी मैडम, बहुत भूख लग रही थी, आपके आने तक रोक नहीं पाया, इसलिए आपसे पूछे बिना ही खा रहा हूँ। आई एम सॉरी मैडम, गलत मत समझना, बहुत भूख लगी थी मैडम। मैडम आपके घर पर सिक्योरिटी नहीं है? आप नक्सलियों की लिस्ट में नहीं है क्या? हाँ तो वो भी क्या करेंगे मैडम, हमारी गवर्नमेंट पहले 1-2 लाख रुपए देने का वादा करती है और उसके बाद आराम से भूल जाती है। हमारे स्टेट में बहुत कॉमन हो गया मैडम। सांबर सुपर, इसे हम दाल चावल कहते हैं मैडम, तमिल इसे बहुत अच्छा बनाते हैं। थोड़ा और डालिए ना, थोड़ा नमक कम है मैडम, खा लो तो नींद आती है। गन मत ढूंढिए मैडम, मैं अरेस्ट होने के लिए आया हूँ। पता नहीं क्यों पुलिस में सबसे ज्यादा विश्वास आप पर है। अब तक उन सबको पता चल गया होगा मैडम, वो आ रहे होंगे। अरे बाप रे, उनके आने से पहले खा लेना चाहिए। एक मिनट रुके तो खाकर चलता हूं सर, बहुत भूख लगी है। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, पेट भर गया सर। चलिए सर, इसका इनाम। थैंक यू सर। मेरे इकलौते बेटे को बड़ी बेरहमी से मारने वाला गुलाम घूम रहा है, वो कालिया। ए दास, तुम जितना मांगोगे उतना, तुम जो चाहो कोई बीच में नहीं आएगा, मैं सब देख लूंगा। कैसे भी उसको ढूंढ के निकालो, निकालो सर। वो देखिए कालिया के घर में अपने आप को सरेंडर किया। इस सरेंडर के पीछे इन्फॉर्मर का हाथ है। ये वो रेलवे स्टेशन वाला है ना, जब से मेरे बेटे से दुश्मनी रखता था, शेर की गुफा में। अब तुझे जाके पता चलेगा तूने किससे पंगा लिया है। ए ए, कौन से एरिया के पुलिस स्टेशन में ले जा रहे हैं, बता करो। दास, ए दास, पुलिस स्टेशन में जाके उसके टुकड़े टुकड़े कर देना। संभाल के, हथकड़ी मैडम, दर्द हो रहा है। अरे बाप रे, इतने सारे पुलिस वाले, अंदर ले जाकर मारेंगे क्या मैडम? कालिया, सॉरी मैडम,
पुलिस को सरेंडर करके ये सोच रहा है कि हम मौत डालेंगे इसलिए जेल में जाके बैठ गया। उसे कैसे भी जेल से बाहर निकालो, बाहर निकालो उसे। कालिया अब तो सच बताओ, सरेंडर क्यों हुए हो? मधुकर अभी तक रिमांड पर है ना? हाँ। उसी जेल में है ना? अरे मैं यहाँ हूँ। जल्दी मेरा मैसेज पहुँचो। वाह फास। ओपन डोर। ओपन डोर। ओपन। ओपन। सारा रा रा अंबर से रंग बरसे, ओ बरसे ओ बरसे ओ बरसे, अंबर से रंग बरसे, ओ बरसे ओ बरसे ओ बरसे ओ बरसे बरसे ओ बरसे। कालिया नमस्ते मैडम, सॉरी मैडम आपसे झूठ बोला। कोई बात नहीं, बरसों का लाइफ एक्सपीरियंस है, कुछ क्राइम देखे, 15 साल पुलिस ड्यूटी में, कितने जख्मों को सहा है, मगर तुम्हें देखकर सब खत्म हो गया। कौन सही कौन गलत, सब कुछ कंफ्यूज। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है मैडम, असल में क्या है कि इतने लोगों को मार डाला, ये सिलसिला कहां जाएगा, कहां पर रुकेगा, इसमें बहुत डाउट है मैडम। कॉलेज क्या होता है? पढ़ाई का मंदिर है, और इस मंदिर में कई लड़कियां पढ़ने के लिए आती हैं। प्यार प्यार कहकर के कई लड़के उन लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं, नहीं मानी तो काट दिया, खून से लथपथ इन्हीं हाथों से। मैं उसे उठाकर हॉस्पिटल में ले गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसने मुझसे कराहते हुए भैया कहा, पापा माँ कहा, और तड़प तड़प के मर गई। ऐसे लोगों को पत्थरों से मार देना चाहिए, लेकिन इसकी बजाय उन्हें यहां रखकर भैंसों की तरह पाला जा रहा है। और तो और बाहर बैठे हमारे सो कॉल्ड इंसानियत के ठेकेदार चीखते हैं कि उन पर रहम करो। मैं क्या करता बताओ, इससे ज्यादा क्या करूं? ये पुलिस की ड्यूटी करते करते ये भूल ही गई हूं कि मैं एक औरत हूं। अब मुझे एहसास हो गया है, तुम्हारे जैसा एक बेटा हो तो बस, अब अपने बेटे को तुम्हारी तरह पालूंगी, तुम्हारे जैसा बनाऊंगी। I'm sorry. हाय त्रिपुरा, कैसे हो? गुस्सा भी कम नहीं हुआ, क्या बताऊं पगली, पुलिस वालों ने जाम के पिटाई की है, बाप रे। अच्छा लग रहा है, मैं मारूंगा ना। मेरी ऐसी हालत देखकर भी पूछ रही हो कैसे हो? ऐसे हालात में तुम हंस कैसे सकते हो रॉकी? हंसूंगा तो फेस वैल्यू बढ़ जाएगी ना, अपने फेस की डिमांड है। एक बात कहूं,
तुम्हें ऐसे दिखकर लगता है जैसे काली माता को जंजीरें पहना दी गई हो। जय काली माँ। तुम्हारे काली कहने से याद आया, लास्ट टाइम बस में याद है ना, बहुत सी लड़कियां बहुत से लड़के बगल में, तुम पक 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 तुम्हें देखा तो दिल गया रे दिल गया रे दिल गया रे। देखा जब से की बहुत दिल वाला है सर, वो किसी का भी एहसान नहीं रखता। पुलिस से मिले पैसों में से देने की जरूरत नहीं थी, तब भी उसने मुझे लौटा दिए। बाकी के पैसे आपको भेजकर गौरी की शादी बड़े धूमधाम से करने को कहा है सर। ये पैसे उसकी अपनी कुर्बानी के पैसे हैं, आप ये रख लीजिए। वो इस युग का आदमी नहीं, भगवान है, भगवान है वो, भगवान है वो। गौरी तू कहां जा रही है? जेल में। जेल में क्यों? अपने पति के पास। वो तेरा, अरे साजन जी से मेरी शादी पहले ही हो गई है, फिर शादी करेंगे आप लोग, ये बात कोई भी सुनेगा तो हंसेगा।
मैं अपने पति के पास जा रही हूँ। मुझे जेल के अंदर नहीं जाने दिया तो मैं जेल के बाहर ही बैठूंगी। अपने पति के पास जाऊंगी मैं। गौरी साल की मेरी बहन मेरे हाथ पर राखी बांधती थी लेकिन उसे बड़ी बेरहमी से मार डाला। एक भाई होकर भी मैं उसे नहीं बचा सका। नहीं, मेरा हाथ अच्छा नहीं। मुझे राखी मत बांधिए। भैया एक बार राखी बांधकर 10 मिनट जिंदा रहूं तो बस। रक्षाबंधन का सही मतलब यही है, तुम्हें राखी बांधूंगी तो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। जब लड़का पैदा होता है तो औरत को बहुत खुशी होती है, लेकिन तुम्हारे लिए हमें उससे भी ज्यादा गर्व है। भैया तुम्हें राखी बांध के हम में से कोई मरा तो हम उसे खुशनसीब ही समझेंगे। हेलो सर। ए डीसीपी, फोन कालिया को दो। कालिया फोन। हेलो। क्या रे, मेरे बेटे को खाक में मिलाकर तू बड़ी खुशियां मना रहा है पागल? उन सभी की आंखों से निकला हुआ वो भाई, उसकी आंखों के सामने सबके टुकड़े होंगे तो ये भाई क्या कर लेगा? सबके इतने टुकड़े करूंगा कि सब बोलेंगी, सुनो भैया, बचा सकता है तो अपनी बहनों को बचा ले। क्या भैया, क्या भैया, ऐसे सारी की सारी मारी जाएंगी। साजन जी, साजन जी, साजन जी, साजन जी। सर, बम ब्लास्ट हुआ है, लगता है ये कालिया को मारने की साजिश है। साजन जी, गौरी, गौरी, गौरी,
बहुत दर्द हो रहा है साजन जी। बोले सारी माँ कहाँ है? बोलिए साजन जी, साजन जी। गौरी, 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 गौरी। I will not let you take the law. मंत्री साहब टेंशन में, आइए मैडम। तुझे तो मैं, मुझे तो क्या, कुछ नहीं करूंगा। जेल में कालिया से मिलने आई बेकसूर मासूम लड़कियों को मारने के लिए अरेस्ट वारंट। किसके घर में आई हो, क्या बक रही हो? मैं रेलवे मंत्री हूँ। चुप रहो। सरकार, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर की परमिशन लेकर आई हूँ, चलो। ए, तुमको तो मैं पैर के जूते की नोक रखता हूँ। पुलिस को क्या समझ रखा है, गधे की तरह ले चलो। ये लो अरेस्ट ऑर्डर। अरेस्ट ऑर्डर? किसी का भी लेके आई हो? तुम बदलोगे नहीं। ए, मैं तेरे और तेरी मौत के बीच खड़ी हूँ। अगर मैं हट गई तो तू मर जाएगा, फिर भगवान भी तुझे नहीं बचा सकता। मेरे साथ चलो, कम से कम बच जाओगे। तू एक औरत, मुझे क्या बचाएगी? आने दे, कौन आता है? जा, हट जा। पोजीशन। तेरे जैसे राक्षस का अंत करने के लिए इस धरती पर आदि शक्ति का अवतार लेती है। तूने कहा सारा बंदोबस्त छोड़ के और क्या उखाड़ लिया? अब करूंगी तेरा बंदोबस्त मैं। तुझे कुत्ते की मौत मिलेगी, फिर भी डिस्टर्बेंस ना हो ऐसा बंदोबस्त करूंगी। खुद को और अपने कुत्तों को अब उस शेर से बचा। बराबर आधे घंटे के बाद चले जाएंगे। आधा घंटा है तुम्हारे पास।
म्युनिसिपल मार्केट नहीं, साइलेंस। बोलिए। योर ऑनर, रॉ के नाम का ये सर मैं कुछ कहूंगा सर। सर नमस्कार सर, कुल 49 मर्डर मैंने किए हैं सर, पूरे होश आवास में। नतीजों को समझते हुए उसका अंजाम जानने के बाद कत्ल किए हैं सर, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है सर, पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है सर, लेकिन सजा सुनाने से पहले मुझे भी कुछ कहने का मौका दीजिए सर, सिर्फ 2 मिनट सर, प्लीज सर। थैंक यू सर। सर 50 लोगों को मारते ही मीडिया, सरकार और जनता, लोग ऐसे यहां वहां भागने लगे जैसे एटम बम गिरने वाला हो। लेकिन जिसकी वजह से हम पैदा होते हैं, जिसके अंदर हमारा खून है, हमारी जीवन साथी होती है उसी औरत पर सर कितने 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 जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं सर, बेरहम से बेरहम और क्रूर से क्रूर अत्याचार सर। लेकिन सर कोई उसके खिलाफ बोल नहीं रहा है सर, आवाज नहीं उठा रहा है, जो हो रहा है होने तो कह के रोकने की कोशिश नहीं करता सर। हमारे देश में ऐसा क्यों होता है सर? हमारी लड़कियां, बहनें, माएं और हमारी बेटियां जब बाहर जाती है तो उनके वापस आने तक हम डरे रहते हैं। क्यों हम रो रो के जी रहे हैं? वो जंगल जंगल में गई है, बमों के बीच में सुनसान जगह पर गई है। अरे गई तो हम जैसे इंसानों के बीच में ही है ना सर। औरत जब बाहर निकलती है ना सर, तो गलियों में, रोडों पर, बस स्टॉप पर, बस में, रेस्टोरेंट में, ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में, पार्क में, कॉलेज में, हर जगह लोग बुरी नजर से देखते हैं। काम करने के लिए घर से बाहर निकली हुई हमारी स्त्रियों के साथ कब, कहां, क्यों और क्या हो जाएगा, हमेशा यही डर लगा रहता है सर। औरत का मतलब सिर्फ सेक्स है क्या? कितने नाम है हमारे देश के, सब बेकार। पुण्य भूमि, वेद भूमि, कर्म भूमि, अपलाहों पर इतना अत्याचार होता है, ये कैसा कर्म है सर? मात्र देवो भव, और पहला नमस्कार स्त्री को करना चाहिए, ये हमारी भारतीय संस्कृति ने पूरी दुनिया को सिखा दिया है सर। लेकिन हम खुद कुछ भी नहीं सीख पाए सर। इसी देश में रावण सुन ने जब अपने बाहुबल से सीता माता को उड़ा लिया था तो बंदरों के साथ मिलकर उसका और उसके साम्राज्य का सर्वनाश किया। लेकिन राम को देखकर हमने क्या सीखा सर? एक लड़की का अगर कोई दुपट्टा खींचता है तो 8-10 लाख लोग पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को मार डालते हैं। ऐसे महाभारत को देखकर हमने क्या सीखा सर? सीखा है सर, सीखा है सर, लड़कियों को उड़ा ले जाना, दुपट्टा खींचना, ग्रेट कंट्री सर, सैल्यूट टू माय कंट्री एंड माय कल्चर, सैल्यूट सर। पुलिस स्टेशन, कोर्ट, कमिश्नर ऑफिस, सिक्योरिटी, सेक्रेटरिएट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, न जाने कितने विभाग है जो कि देश के नागरिकों की खून पसीने की कमाई के लाखों करोड़ों का माल खर्च करके चलाए जा रहे हैं। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे और दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक सिस्टम में औरतों की सेफ्टी नहीं है सर, बदलना है सर, ये रूल बदलने हैं सर। और ये बदलाव कोई आसमान से नहीं टपकता, हम में से आता है, हमारे अंदर से आता है सर। हमारी मां हमें
सुरक्षित पेट में पालती है सर, सुरक्षित पैदा भी करती है, उनका एहसानमंद होना चाहिए हमें। हमारे आसपास जितनी लड़कियां हैं उन्हें सीने से लगाकर उनकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन यह पाठ हम भूल गए हैं सर, हमें फिर से यह पाठ सबको पढ़ाना होगा सर, और इसके लिए पूरे देश को फिर से प्राइमरी स्कूल में बिठाकर पढ़ाइए सर, इनको पढ़ाइए सर, औरतों के बारे में पढ़ाइए सर, ममता के बारे में पढ़ाइए सर, बस सर, थैंक्स सर। हत्या करके बिना डर के अदालत के सामने गुनाह कबूल कर रहा है ये रॉकी। भले ही लोगों को इसका साथ है लेकिन इसने गुनाह किया है, इसलिए ये अदालत इंडियन पिनल कोड के मुताबिक मुजरिम के प्रति लोगों की सिंपैथी देखते हुए और ये जानते हुए भी कि वो दोषी है, उसने गुनाह किया है, उसे फांसी की सजा न देकर के कठिन कारागार की सजा देती है। साइलेंस, साइलेंस। एक मिनट, रॉकी, यू आर राइट, ही इज राइट। जहां भी हमारी मां बहनों की इज्जत की, उनकी रक्षा का सवाल आता है, वहां पर हमारा सिस्टम पूरी तरह से फेल है। ही इज राइट। भारत माता के ऐसे शूरवीर पुत्र को सजा देते हुए मुझे शर्म आ रही है, बहुत शर्म आ रही है। आई एम अशेम्ड ऑफ इट। मैं जज के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। अब मैं फिर से एक वकील हूं और रॉकी के केस को मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के जाऊंगा और इसका केस लड़ूंगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को चाहिए कि रॉकी को बाहर लाए। मैं रॉकी का केस लड़ूंगा। हमारे देश को बहुत जरूरत है ऐसे शूरवीर रॉकियों की। कालिया जिंदाबाद। करके मुझे हीरो मत बनाइए, खुद को ऐसा बनाइए कि मुझ जैसों की जरूरत ना पड़े। औरत जिसका नाम है वो सिर्फ खाना बनाने वाली नहीं, अपने साथ अन्याय करने वालों का सर काटने वाली भी है। अपने आप को मजबूत बनाओ। चलता हूं मैं।